हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल व्यूवर्स। गुड इवनिंग, कैसे हैं आप सब लोग गाइस। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ अगेन आपके पर्सन की करंट एनर्जी, करंट फीलिंग्स। आज रात की क्या है उनके मन में, आपको लेके अपनी लाइफ में क्या चाहते हैं वो आज हम ये देखने वाले हैं। जनरल रीडिंग है व्यूवर्स, ध्यान रखिए जितना भी पार्ट आपसे रेजोनेट होता है क्लेम कर लीजिए, जो आपसे रेजोनेट नहीं होता उसे जाने दीजिएगा। रीडिंग अगर आपसे रेजोनेट करती है तो प्लीज़ एक प्यारा सा लाइक कर लीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए अगर नहीं किया है तो। एंड व्यूअर, सेकंड चैनल पर मैंने वीडियो अपलोड कर दी है, उस पर जाके आप वॉच कर सकते हैं, उससे भी आपको काफ़ी गाइडेंस मिलेंगी। ओके, सो लेट्स सी व्यूअर्स, पर्सनल रीडिंग के लिए व्यूअर्स आप मुझे अपनी ऊपर दिए हुए नंबर पे ना, वीडियो के स्क्रीन पे जो नंबर यहाँ पे शो हो रहा है इस नंबर पे आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं क्या है उनके मन में आज रात। प्लीज़ एंजल्स, प्लीज़ बताइए क्या सोच रहे हैं इनके पर्सन इनको लेके अपनी लाइफ में। ओके, सो लेट्स सी द मून स्ट्रेंथ, सेवन ऑफ वैंड्स, वी हैव सिक्स ऑफ पेंटिकल, हैंगमैन, मैजिशियन, एस ऑफ कप्स एंड टू ऑफ वैंड्स। ओके, पास्ट के बारे में बताइए, पास्ट में क्या हुआ इनके रिलेशनशिप में। ओके, टू ऑफ सोर्ड, द टावर, नाइन ऑफ सोर्ड एंड सिक्स ऑफ कप्स, बॉटम से थ्री ऑफ पेंटिकल। ओके, आई होप आपको सारे कार्ड अच्छे से नज़र आ रहे होंगे। चलो ठीक है, सबसे पहले व्यूअर्स मैं आपके पर्सन को यहाँ पे देख पा रही हूँ कि वो आपके पर्सन आपके बारे में मतलब एक तरह की डीप फीलिंग रखते हैं, वो चीज़ें गाइस मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। मे वे व्यूअर्स, आपके पर्सन इस समय आपके बारे में जितना ज़्यादा सोच रहे हैं उतना ही ज़्यादा वो आपके ख्यालों में खोते चले जा रहे हैं। सबसे पहले गाइस मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ इमोशन उनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा हावी हो रहे हैं। वो अपने आप को ऐसा महसूस करें समवेयर व्यूअर्स, जैसे कि असहाय वाली स्थिति होती है ना, इंसान चाहता है जिसको पाना, जिसकी तरफ बढ़ना, वही चीज़ें उनके उसको रोकती हैं उसकी तरफ बढ़ने से, या फिर कुछ चीज़ें ऐसी व्यूअर्स आपके पर्सन की तरफ से जो मैं देख पा रही हूँ कि वो उनको होल्ड करे हुए हैं। ठीक है, कुछ चीज़ें ऐसी ज़रूर हैं आप दोनों के रिलेशनशिप में जो मुझे दिखाती हैं कि आपके पर्सन आपके बारे में जितना ज़्यादा अट्रैक्शन फील कर रहे हैं, जितना ज़्यादा सोच रहे हैं, उतना ही दूसरी एक पावर है जो उनको होल्ड करे हुए है, जो उनको आपकी तरफ बढ़ने नहीं दे रही है। कुछ चीज़ें गाइस मैं यहाँ पर ऐसी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही हैं आपके व्यूअर्स। अगर मैं पास्ट की बात करूं, क्योंकि यहाँ पे मैंने जैसे कि आज कार्ड पास्ट को लेके निकाले हैं, आपके पास्ट में व्यूअर्स आपके पर्सन के कहीं ना कहीं इस कनेक्शन के ऊपर एक टावर मूवमेंट का जो कहते हैं ना एक साया, वो मुझे यहाँ पे नज़र आया कि आपके रिलेशनशिप में व्यूअर्स टावर मूवमेंट कहीं ना कहीं आया है। और उस समय भी आपके पर्सन ने इस कनेक्शन में चाहत तो उनकी थी, वो चाहते थे भी इस कनेक्शन में आगे बढ़ना, इस कनेक्शन में अपनी लाइफ को जीना, लेकिन व्यूअर्स उनको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था पास्ट में। ये रिसेंट पास्ट की एनर्जी है, बहुत लंबे चौड़े पास्ट की हम बात नहीं कर रहे, रिसेंट पास्ट मैंने यहाँ पे चेक किया है। तो मैं यहाँ पे देख पा रही व्यूअर्स कि आपके पर्सन को जिस समय टावर मोमेंट आपकी लाइफ में आया, सडन बहुत सारी चीज़ें डिजास्टर वे में ख़त्म हुई हैं। आपके पर्सन व्यूअर्स सिर्फ देखते रह गए, ठीक है, कुछ करा नहीं उन्होंने इस कनेक्शन को लेकर, इस कनेक्शन को बचाने के लिए, कि बचाना जो उनके दिल में चाहत थी वो उसको पूरा नहीं कर पाए। मे बी अपनी कहते हैं ना समवेयर इंसान इतना ज़्यादा ऐसे कंडीशन में स्टक हो जाता है जिसमें वो सिर्फ वो देखने के लिए, दृष्टा बनने के अलावा वो कुछ नहीं कर सकता। ठीक है, तो मैं आपके पर्सन की गाइज यही कंडीशन देख पा रही हूँ कि उन्होंने इस कनेक्शन को डिस्ट्रॉय होते हुए जब देखा तो आँखें अपनी बंद कर ली, है ना, कुछ करा नहीं, मे बी इसको अपनी डेस्टिनी मान लिया या इसको अपनी तकदीर मान लिया। उनको उनको ऐसा लगा कि यही मेरा फैसला है, यही मेरी डेस्टिनी है कि मैं अपने प्यार से ही सेपरेट होकर अपनी लाइफ को जीऊँ। ठीक है, तो मुझे यहाँ पे व्यूअर्स अगर देखा जाए पास्ट में एनर्जी यही दिखाई देती है कि आपके पर्सन ने उस समय सिर्फ सिचुएशन से जैसे कि समझौता करा, रोए तड़पे बिलबिलाए, बहुत कुछ है, अपनी दिल की बात को अपने अंदर ही दबा के रखा। इस कनेक्शन में व्यूअर्स उनका प्यार सच्चा था, वो कनेक्शन में आना चाहते थे, पर व्यूअर्स समवेयर वो लोगों की बातों में आके, व्यूअर्स ये कह सकते हैं लोगों की बातों में आके या किसी ऐसे पर्सन का इन्फ्लुएंस मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है कि वो सुन सबकी रहे थे लेकिन करा उन्होंने कुछ नहीं। उन्होंने आपकी भी सुनी, उन्होंने औरों की भी सुनी, लेकिन
उनको ऐसा लगा कि मैं किसी की इच्छाओं को, किसी की भी, जो मुझसे हर कोई अपनी अपनी उम्मीदें लगा के चल रहा है, मैं किसी की इच्छा पूरी करने के लायक हूँ ही नहीं, या मैं इन चीज़ों को नहीं कर सकता, अपने आप को इनकैपेबल समझ लेना। वो एनर्जी गाइज में आपके पर्सन के पास्ट मेरे को आज लगा चेक करना चाहिए, तो मैंने चेक किया और वो व्यूवर्स मुझे आपकी यहाँ पे सिचुएशन नज़र आई है। और आपके पर्सन आज फ़िलहाल उन्हीं चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं कि यार काश उस समय कुछ कर लिया जाता, ठीक है, काश उस समय मैंने थोड़ी सी हिम्मत दिखाई होती, थोड़े से एक्शन दिखाए होते इस कनेक्शन में जो प्रॉब्लम थी उनको सॉर्ट आउट करने को लेके, तो आज हम दोनों साथ में होते, हम दोनों अलग अलग नहीं होते, हमारा कनेक्शन आज एक साथ होता और मुझे इतना रिग्रेट फील नहीं होता। आप आज के, आज आपके पर्सन व्यूवर्स मुझे देखो सेवन ऑफ वैंड्स की एनर्जी में विद एस ऑफ कप्स के साथ में नज़र आ रहे हैं। यहाँ पे व्यूवर्स आपके पर्सन कह रहे हैं कि हाँ मुझसे गलती हुई है, मैंने इस प्यार को लेके कोई भी एक्शन नहीं दिखाया, जबकि मैं बहुत कुछ कर सकता था या कर सकती थी, लेकिन मुझसे नहीं हो पाया, इसके लिए मैं तुमसे माफ़ी मांगता हूँ या मांगती हूँ, ठीक है। वो चीज़ें गाइज मुझे यहाँ पे नज़र आ रही, ये अपनी उन वीकनेसेस पे व्यूवर्स इन्होंने आज ध्यान दिया है, उन चीज़ों के बारे में सोचा है जो उस कनेक्शन की रिक्वायरमेंट थी, जो आपकी रिक्वायरमेंट थी आपके पर्सन से, कि यार ये पर्सन कुछ हिम्मत दिखाएगा, कुछ एक्शन दिखाएगा, मैं अकेले इन चीज़ों को सॉर्ट आउट नहीं कर सकती या नहीं कर सकता। ये पर्सन से कहते ना एक गाड़ी के दो पहिए होते हैं, अगर एक ही पहिए पे पूरा भार लाद दो वो नहीं चला सकता उसको, वो ख़त्म हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा। दूसरे का चाहे छोटा सा सपोर्ट हो पर वो सपोर्ट ज़रूरी है, और आपके पर्सन ने व्यूवर्स वो सपोर्ट ना दिखा के उस समय बहुत बड़ी गलती की, और आज आपके पर्सन इस गलती को रिग्रेट यहाँ पे फील कर रहे हैं, ठीक है। नहीं, ये एनर्जी गाइज यही दिखाती है कि आपके पर्सन रिग्रेट में है कि मैंने सिर्फ अगर थोड़ी सी भी हिम्मत दिखाई होती तो आज मैं अपने प्यार के साथ में ही अपनी ज़िंदगी जी रहा होता या जी रही होती, मुझे इस तरह से अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस नहीं करना पड़ता या अपनी खुशियों को सेक्रीफाइस नहीं करना पड़ता। मैंने दूसरों के नीड पूरी करने के चक्कर में या अपनी लाइफ में अपने काम पे या अपनी मनी पे फोकस करने के चक्कर में, ठीक है, मैंने ऐसे लोगों को अपना टाइम दिया, ऐसे लोगों को मैंने अपना समय दिया या फिर अपनी एनर्जी दी, अपना प्यार दिया, अपना अट्रैक्शन दिया, या ऐसे लोगों के लिए मैंने बहुत कुछ किया जो लोग डिज़र्व ही नहीं करते थे, और उसके लिए मैंने कुछ नहीं किया जो डिज़र्व करता था, जो मेरा ही था, जो मेरा आधा हिस्सा था, मैंने उसके लिए कुछ नहीं किया। और व्यूअर्स आज आपके पर्सन उसी पास्ट मेमोरीज़ को मुझे यहाँ पे विजुलाइज़ करते हुए नज़र आ रहे हैं, ये चाहते हैं व्यूअर्स, आज आपकी तरफ देखते हैं आपके पर्सन, और जब देखते हैं व्यूअर्स तो उनको रिग्रेट के अलावा, अपने अंदर एक ग्लानी के अलावा, एक लैक ऑफ कॉन्फिडेंस के अलावा इनको कुछ नज़र नहीं आता। तो व्यूअर्स आपके पर्सन, मैं कह रही हूँ ना आज बहुत ज़्यादा आपके बारे में डीप सोच रहे हैं, और व्यूअर्स ये चीज़ें मुझे आज खास तौर पर नज़र आ रही कि ये अपने अंदर वो उन कमियों को देख पा रहे हैं जो कमियाँ इनकी, इनका आईना है, है ना, आईने को इन्होंने आज देखा है व्यूअर्स, आज सच्चाई देखी है इन्होंने अपनी। और व्यूअर्स मैं आपके पर्सन को ना एक ऐसी एनर्जी में यहाँ पर देख पा रही हूँ, अगर देखा जाए तो, कि आपके पर्सन हमेशा से ही अपने आप को इनकैपेबल ही समझा है इन्होंने, प्यार तो किया पर प्यार को निभाने की हिम्मत नहीं की, प्यार में आए तो सही, कनेक्शन बनाया तो सही, पर कनेक्शन को कुछ जो कनेक्शन के लिए करना चाहिए था उस पर्टिकुलर टाइम पे इन्होंने वो नहीं किया, इनको यही लगा कि मूव ऑन करना बेहतर है, बस यही चीज़ें गाइज मुझे आज इनकी वीकनेसेस यहाँ पे ज़्यादा ही नज़र आई, क्योंकि आज इनका फोकस अपनी वीकनेसेस पे है। ये है व्यूअर्स, आज आपके पर्सन की थिंकिंग ना आपको लेके एक रिग्रेट में है, कह ना पाएं जुबान से पर फील तो यही है। अगर आप अपने पर्सन के साथ में उनसे बात करेंगे तो आपके पर्सन आपको यही रिप्लाई देंगे जो इस रीडिंग में निकल के आया है, उनसे अगर आप बात भी करेंगे ना तो वो यही कहेंगे कि हाँ मैंने तुम्हारे साथ में अन्याय किया या तुम्हारे साथ में मैंने खड़ा ना होके बहुत बड़ी गलती करी। फ्लावरिंग, इंटीग्रेशन, बियॉन्ड द इल्यूजन, स्लोइंग डाउन, टोटैलिटी एंड रीबर्थ, बॉटम से है बर्डन। ओके, सो व्यूअर्स मैं आपके पर्सन को देख पा रही हूँ कि ये
आपके साथ में व्यूवर्स एक तरह की, जैसे कि मुझे लग रहा है कि ये अपनी उस वीकनेसेस पे आज काम कर रहे हैं उनको, क्योंकि उन्होंने पहचाना है, ये अपनी अवेकनिंग में चल रहे हैं, वो चीज़ें मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है व्यूवर्स। अच्छा कि अगर यहाँ पे आप देखोगे तो मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि आपके पर्सन आपकी तरफ बढ़ तो रहे हैं, पर इनके जो एफर्ट्स हैं वो काफ़ी हद तक उतने स्पीड में नहीं है जितनी स्पीड में आप चाहते हो। आपके पर्सन व्यूवर्स, उनका अपना पेज है, अपना तरीका है हर सिचुएशन को हैंडल करने का। हर इंसान एक सा नहीं होता, जबकि हमारे हाथ की पांचों उंगलियां वो भी एक सी नहीं होती है ना, कोई छोटी कोई बड़ी, लेकिन सबका अपना अपना रोल होता है। तो वही इंसान में है व्यूवर्स, आपके पर्सन दूसरों के जैसे नहीं है, आपके जैसे नहीं है। आपकी थिंकिंग बहुत ज़्यादा फास्ट हो सकती है, आपको एक एक्शन में बिलीव करते हैं और आपके पर्सन ऐसा नहीं करते हैं। ये इनको लगता है कि जैसा मैं कर रहा हूँ या मैं चल रही हूँ वही बेहतर है, ये अपने आप को दूसरों से कंपेयर कभी नहीं करते, ये कंपैरिजन से बचते हैं आपके पर्सन। ये व्यूवर्स इस बात में बिलीव रखते हैं कि छोटे छोटे स्टेप अगर लिए जाएं तो वही हमें सक्सेस दिलाते हैं, वही हमें हमारी खुशियों से मिलवाते हैं। तो व्यूवर्स ये छोटे छोटे स्टेप्स लेने में बिलीव करते हैं, ये एकदम से सडन डिसीजन नहीं लेते, समय के हिसाब से सिचुएशन के हिसाब से ये आपके पर्सन डिसीजन लेते हैं। तो वो मुझे आज यहाँ पे नज़र आ रहा है, आपके पर्सन व्यूवर्स कहीं ना कहीं आपकी तरफ एफर्ट्स तो लगा रहे हैं, क्योंकि इनकी खुशियाँ मुझे इस कनेक्शन में नज़र आ रही है। आपको कह रही हूँ ना, आधा हिस्सा जो मैंने अभी रीडिंग जब मैंने स्टार्ट की थी तो मैंने बोला था आपको, अगर याद हो तो, कि आपको अपना आधा हिस्सा मानते थे, उसको उन्होंने खुद डिस्ट्रॉय किया, और व्यूवर्स उसी को पाने के लिए आपके पर्सन के मुझे यहाँ पे एक्शन नज़र आ रहे हैं विद थिंकिंग के साथ में, और अपनी उन वीकनेसेस पे ये वर्क करना चाहते हैं, उनको रिमूव करना चाहते हैं, उनको ये फेस करने की व्यूवर्स कहते हैं ना, अभी भी उतनी हिम्मत आपके पर्सन में व्यूवर्स अगर सच बताऊं तो नहीं है जितनी आपकी एक्सपेक्टेशन है। आप सामने से आके बोलने में बिलीव रखते हो पर आपके पर्सन ऐसा नहीं सोचते। तो मुझे ये नज़र आ रहा है व्यूवर्स, इनकी कहीं ना कहीं एक तरह से देखा जाए तो आपकी जो वॉइस है, आप जो चाहते हो, जिस तरह से अपने पर्सन को बुला रहे हो ना, पुकार रहे हो, आपके पर्सन आपकी भाषा आपकी बातों को सुन रहे हैं, आपकी आपकी एनर्जी को फील कर रहे हैं, उनको भी एहसास है कि इनको कुछ ना कुछ करना चाहिए आपके लिए, आपके साथ में। लेकिन समवेयर व्यूअर्स, जो आप में भी कुछ लोग ऐसा हो सकता है कि आपको लगे कि मैं आपको इस तरह से बोल रही हूँ, कुछ लोग व्यूअर्स आपकी इस रीडिंग में मुझे ऐसे नज़र आ रहे हैं कि आप अपने पर्सन को बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस कर रहे हो, ये करो तुम, वो करो तुम, बोलो तुम इस तरह से करो, या आपकी एक्सपेक्टेशन ऐसी हैं, पर आपके पर्सन व्यूअर्स इन चीज़ों से चिढ़ जाते हैं। वो चिढ़ जाते हैं कि तुम मुझे नहीं समझते हो, तुम मेरी सिचुएशन को नहीं समझते हो, कि मेरे ऊपर किस तरह का बर्डन है, तुम ये चीज़ों नहीं समझ पा रहे हो, तुम्हें अपना दिखाई दे रहा है, तुम्हें मेरा दिखाई नहीं दे रहा। तो व्यूअर्स, आपके पर्सन कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो आपके ऊपर ब्लेम भी कर रहे हैं, क्योंकि आपने बहुत इंतज़ार किया और आपके पर्सन अपनी सोच को लेके चले, ना कि आपकी सोच को लेके, वो आपकी आपकी फ्रस्ट्रेशन नहीं समझ पा रहे हैं कि आपके अंदर क्या चल रहा है, आप कितना फ्रस्ट्रेटेड हो और कितना इंतज़ार करोगे इस पर्सन का, क्योंकि समय हाथ से निकलता जाता, समय को कोई रोक नहीं सका, कभी नहीं रुका समय किसी के लिए। जो एज आपकी व्यूअर्स, कहीं ना कहीं मुझे रिफ्लेक्ट हो रही है कि एज के साथ साथ बहुत कुछ ऐसा है जो ये समय लेके जा रहा है आपकी लाइफ से। तो मुझे नज़र आ रहा है व्यूअर्स कि आपके पर्सन की लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसा बर्डन ज़रूर है जो इतनी स्ट्रांगली ये डिसीजन या एक्शन नहीं ले पा रहे हैं। आपके पर्सन ये जानते हैं कि इनको आपका साथ चाहिए, प्यार चाहिए, और ये अवेकनिंग में भी चल रहे हैं व्यूअर्स, इनको खुशी आपके साथ ही नज़र आ रही, क्योंकि अगर आप देखेंगे कार्ड यही बता रहे हैं, लेकिन यहाँ पे जो नीचे वाले कार्ड हैं ये इनकी कमज़ोरियों को दर्शाते हैं कि इनके अंदर कमज़ोरियाँ हैं व्यूअर्स आज भी, जो कहीं ना कहीं गई नहीं है, अभी भी बनी हुई है, और वही कमज़ोरी व्यूअर्स इनकी एक ऐसी कहते हैं ना लैकिंग को दिखाती है कि जो इस कनेक्शन को अभी भी पूरा नहीं कर रही है। और आपके पर्सन व्यूअर्स यही मुझे यहाँ पे दर्शाते हुए नज़र आ रहे हैं कि ये उन चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं, पर ये भी कह रहे हैं कि मैं उतनी तेज़ी से काम नहीं कर सकता हूँ जितनी तेज़ी से आप मुझसे सोच रहे हो, ये एक्सपेक्ट कर रहे हो, मैं उन लोगों के खिलाफ नहीं जा सकता हूँ, या मैं वो काम नहीं कर सकता हूँ, या उस तरह से नहीं कर सकता हूँ जिस तरह से आपने मुझसे उम्मीद की है। तो इनको व्यूअर्स ये चाहिए, आपके पर्सन जो मुझे यहाँ पे फील करवाते हुए नज़र आ रहे हैं, कि ये चाहते हैं कि आप इनको इनके हिसाब से काम करने दो, ना कि अपनी सोच इनके ऊपर ला दो, ठीक है। तो वो गाइज वो चीज़ मुझे आज आपके पर्सन के नज़र आ रही है कि ये बढ़ तो रहे हैं इस कनेक्शन में आगे, इनको इस कनेक्शन में सक्सेस भी चाहिए, ओके, लेकिन खुद के सोच से और आप दोनों की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से ये चाहते हैं कि आप इन्हें अंडरस्टैंड करें, इनको समझें, और इनको वो करने दें जो ये करना चाहते हैं।
है ना व्यूवर्स। तो वो देखो कुछ बातें व्यूवर्स हो सकता है आपको आपके पसंद की आज अच्छी ना लगे या फिर रीडिंग की अच्छी ना लगे, वो आपके ऊपर है व्यूवर्स, लेकिन जो उनकी सच्चाई थी मैंने आपको वही बताई, क्योंकि यही मेरी ड्यूटी है व्यूवर्स आपको लेके। तो चलिए कुछ चैनल मैसेज देखते हैं क्या निकल के आता है यहाँ पे। ओके व्यूवर्स, सो लेट्स सी क्या है आज आपके लिए चैनल मैसेज। प्लीज़ एंजल्स प्लीज़ बताइए मेरे व्यूवर्स को लेके, इनके पर्सन आज क्या कन्फेस करना चाहते हैं, क्या है उनके मन में जो ट्रू हार्ट फीलिंग्स है डिवाइन, प्लीज़ हमें वो बताइए। ओके काफ़ी सारे कार्ड्स आ गए ऑलरेडी, चलो ठीक है ये भी लेते हैं पहले। ओके ओके, आई नीड टू करेज फेस माई फीलिंग्स। सबसे पहले देखो वही है, करेज की कमी है और वही करेज आपके पर्सन चाहते हैं, और ये करेज की व्यूवर्स यहाँ पे कमी मुझे साफ नज़र आ रही, यही आपसे बोलना चाहते हैं। वाई यू सो मीन, वही बोला ना कि इनको इनके हिसाब से काम करने दो, आपको इनको ये लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा ओवर प्रेशर कर रहे हो अपने पर्सन पे। आई सी अदर पीपल इन यू, आपके पर्सन मतलब है ना, मतलब ऐसा होता है, एहसास होता है व्यूवर्स, वही चीज़ें नज़र आ रही हैं कि औरों में आपको देखते हैं, आपको औरों में देखते हैं। समवेयर व्यूवर्स ये है, यू आर माई ट्रू लव, आप इनका सच्चा प्यार हो। आई डोंट नो हाउ टू एक्सप्रेस माई फीलिंग्स, आपके पर्सन नहीं जानते कि मैं अपनी फीलिंग्स को कैसे एक्सप्रेस करूँ, तो मैं कैसे बताऊँ। आई वॉन्ट टू टेक अ ट्रिप विद यू, आपके पर्सन आपके साथ में एक ट्रिप चाहते हैं। ओके टू ऑफ वंड्स वाली एनर्जी है यहाँ पे, आपके पर्सन आपके साथ में कहीं बाहर भी जाना चाहते हैं। ओके कैन आई मैसेज कॉल यू, आपके पर्सन चाहते हैं कि वो आपको मैसेज या कॉल कर सकते हैं। ओके आई वॉन्ट टू प्रूव माई लव टू यू थ्रू एक्शन, आपके पर्सन आपको अपना प्यार एक्शन से दर्शाना चाहते हैं। कैन वी टुगेदर अगेन, क्या हम एक साथ हो सकते हैं। आई नो यू वॉन्ट फील द सेम, आपके पर्सन कह रहे हैं कि जो मैं फील करता हूँ वो तुम्हारी फीलिंग नहीं है, तुम अलग फीलिंग के साथ में हो, मैं अलग फीलिंग के साथ में हूँ। ओके आई विश यू वर नेक्स्ट टू मी, ओके एंड आई एम स्केर्ड इज टू रिस्की, वही है व्यूवर्स, कुछ ना कुछ तो ऐसा है जो आपके पर्सन को डराता है और इनकी जो फीलिंग्स हैं उनको फेस करने की हिम्मत नहीं देता, और कुछ करने की जो हिम्मत चाहिए जो आप अपने पर्सन से एक्सपेक्ट करते हो वो नहीं कर पाते हैं। तो कुछ ना कुछ तो व्यूवर्स यहाँ पे है आपके पर्सन की लाइफ में ऐसा जो उनको डरा के रखता है, जो उनको आगे नहीं बढ़ने देता आपकी तरफ। सो व्यूवर्स ये है आपके लिए चैनल मैसेज आपके पर्सन की तरफ से। व्यूवर्स आई होप आपके साथ मेरी रीडिंग रेजोनेट हुई होगी, अगर व्यूवर्स हुई है तो प्लीज़ एक प्यारा सा लाइक खुल के ज़रूर कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं व्यूवर्स नेक्स्ट रीडिंग में, टिल देन टेक केयर योरसेल्फ, गॉड ब्लेस यू गाइस, बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, बाय बाय।